Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will study Maths, Class 8, Chapter 4, NCERT, that is Practical Geometry, Lecture 6. And in today's topic, we will cover Exercise 4.2. Students, in this video, we will study Exercise 4.4. So let's start with our topic. Exercise 4.4, when three sides and two included angles are given. यहाँ पर हमें three sides given होंगी and two included angles means उन sides के included जो angles होंगे वो given होंगे. तो ऐसी condition में हमें quadrilateral construct करने हैं. So question one, part one is quadrilateral DEAR. Second part is quadrilateral TRUE. Again we have three sides and two angles which are given. Now coming to our first part. That is quadrilateral DEAR. First of all, हम यहाँ पर एक rough sketch create करेंगे, right? Like this, where DE, as you can see, 4 cm, EA is equal to 5 cm, RA is equal to 4.5 cm, as you can see in the rough diagram, and angle E is equal to 60 degrees and angle A is equal to 90 degrees. जो एंगल ए है ये साइन जो है ये 90 परपेंडिकुलर का साइन है, means 90 degrees. तो first of all हम यहाँ पर DE एक लाइन ड्रॉ करेंगे, that is our base line, which is 4 cm, like this, right? And angle E, which is 60 degrees, हम कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे. देखिए बिल्कुल सिंपल है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, like this, and suppose it is intersecting DE at point P, तो B point पे कंपास को रखेंगे, and same radius की हमने कंपास रखनी है, जैसे कि हमने E point से ड्रॉ की है रेड कलर में, like this. Right, and if we join this line, this is angle of 60 degrees. Now EA is equal to 5 cm, as you can see in the figure. जो EA है वो कितना है, 5 cm. तो E से हम 5 cm की compass को open करेंगे and एक arc draw करेंगे like this, right? And इस arc को point देंगे हम A point, because intersecting point क्या है, A point है, because AE का जो distance है, which is 5 सेंटीमीटर. नाउ ए पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मींस एंगल ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. तो अगेन हम 60 डिग्री का ड्रॉ करेंगे एंड देन 120 डिग्री का. 60 और 120 के जो मिड में होगा, दैट विल बी अवर 90 डिग्री एंगल. तो देखिए 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आसान है. हम ए पर अपनी कंपास को प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, राइट? एंड एक और हम आर्क ड्रॉ करेंगे सिंपली. ये देखिए 60 डिग्री का एंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो चुका है. नाउ 120 डिग्री का एंगल भी हमारा कंस्ट्रक्ट हो चुका है. अब 60 और 120 से हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है लाइक दिस. देखिए 90 डिग्री का एंगल हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं. इन केस अगर आपको 90 डिग्री का एंगल नहीं क्लियर हुआ तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हैं, राइट? तो ए से हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है. नाउ हम यहां पर 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4. A लाइक दिस. दिस इज पॉइंट आर विच इज 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए. एंड अवर फाइनल स्टेप, डी को आर से हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. सो दैट वाज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल DEAR. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वाड्रिलेटरल TRUE. हियर यू कैन सी TRUE are the sides, and angle R, which is 75 degree, angle U, which is 120 degrees. So first of all, again यहाँ पर हम rough sketch draw करेंगे TRUE का. Like this, you can see RU is equal to 3 cm, and angle R 75 degree, U 120 degree, DEU 4 cm, TR 3.5 cm. Right? Construction के लिए हम RU draw करेंगे, which is 3 cm, like this. एंड यू पे हमारा एंगल है 120 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे एंड देन 120 डिग्रीज. सो 60 डिग्री के लिए आपको एक आर्क लगानी है, यू पे अपना कंपास को पॉइंट करना है लाइक दिस. लेट्स से दिस इज मीटिंग एट पॉइंट ए, एंड ए पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है सेम रेडियस की. एक और आर्क आपने यहाँ पर ऐसे कट कर देनी है. सो दिस इज एंगल 60 डिग्री, राइट? नेक्स्ट हम बी पॉइंट से एक और सेम आर्क, बिल्कुल सेम रेडियस की जो अभी हमने बी पॉइंट पे कट की है, बी पॉइंट से हम अपनी मेन आर्क के ऊपर कट करेंगे लाइक दिस. दिस विल बी अवर एंगल 120 डिग्रीज.
नेक्स्ट ई यू विच इज 4 सेंटीमीटर. देखिए यू पर अब हमें कंपास को प्लेस करना है एंड 4 सेंटीमीटर दूर हमें आर्क ड्रॉ करनी है यू से, लाइक दिस. एज यू कैन सी यू से जो हमारी आर्क है विच इज 4 सेंटीमीटर अवे एंड दिस पॉइंट इज ई एंड ई यू इज 4 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट आर पॉइंट पे हम 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मीन 75 डिग्री 60 एंड 90 के मिड में आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, देन 90 डिग्री एंड आफ्टर दैट 60 और 90 के बाइसेक्टर बनाएंगे विच गिव्स 75 डिग्रीज. सो लेट स्टार्ट मेकिंग एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट आर. तो सिमिलर वे में जैसे हमने यू पे बनाया है, आर पे देखिए 60 डिग्री का एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लाइक दिस. 60 डिग्री से अब हम 120 का एंगल बनाएंगे लाइक दिस एंड 120 और 60 के बीच में एंगल होगा हमारा 90 डिग्री लाइक दिस. तो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास कई बार आ चुका है, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अब देखिए डी आर ए इज 90 डिग्री एंड एफ आर ए इज 60 डिग्री. तो 60 एंड 90 के बीच में हम एंगल बनाएंगे 75 डिग्री. तो आपने कंपास को रखना है एफ पॉइंट पे, एक आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस. अगेन डी पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है एंड एक आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस. नाउ आर पॉइंट से इस आर्क को, इस इंटरसेक्शन आर्क्स को हमने पास कर देना है एक लाइन से लाइक दिस. एंड आर से अब हमने 3.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करनी है बिकॉज आर टी इज 3.5 सेंटीमीटर. तो आर से हम कंपास को ओपन करेंगे 3.5 सेंटीमीटर एंड आर पॉइंट से हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एंड दिस इज अवर पॉइंट T. Now our final step, which is T को E से हम join कर देंगे like this. So we get T R U E is our required quadrilateral. So that was all about our exercise 4.4. In the next video, we will start off with exercise 4.5. If you like this video, then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.